दोस्तों दुनिया में ऐसे कई समुद्री तट हैं जो अपनी सुंदरता से सैलानियों को आकर्षित करती रहती हैं। समुद्र की लहरों के साथ खेलना हो या बीच पर खड़े होकर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के अद्भुत नजारे को देखना हो, इसका एक अलग ही आनंद मिलता है। दोस्तों यही कारण है कि लोग हर साल दुनिया के कोने कोने में फैले विशाल समुद्री तटों की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम हो या गर्मी का, घूमने का असली मजा तो समुद्री तट पर ही होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय समुद्री तट गोवा की सैर पर लिए चलते हैं। साथ ही हम आपको गोवा शहर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप यहाँ कैसे जा सकते हैं और भी बहुत कुछ। दोस्तों गोवा भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बसा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है, जो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है। वहीं गोवा की कुल आबादी 18 लाख से ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का सबसे छोटा राज्य होने के बाद भी यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल काफी मॉडर्न है, क्योंकि इस शहर का पूरा इनकम ऑफ सोर्स टूरिस्ट से ही आता है। रोमांस की तलाश करने वाले लोगों के लिए गोवा का यह सी बीच बिल्कुल सही जगह होगी। जब आप यहां आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप विदेश में आ गए हों। वैसे आपको बता दे, भारत के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से गोवा का नाम सबसे ऊपर आता है। गोवा सिर्फ समुद्री तटों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ सैलानियों को जो अपनापन मिलता है, वो शायद ही कहीं मिलता हो। इस छोटे से राज्य में 40 से भी ज्यादा छोटे बड़े सी बीच हैं, और यहाँ का हर एक सी बीच का एक अलग ही सौंदर्य देखने को मिलता है। इंडियन कल्चर के अलावा आप यहाँ फॉरेन कल्चर भी देख सकते हैं। सच मानिए तो यहाँ के रंगीन नजारे, यहाँ की नाइट लाइफ पर्यटकों को खूब लुभाती है। गोवा में आपको 10,000 से भी ज्यादा वाइन शॉप और डांस बार मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी कुछ कम नहीं है। गोवा का लगभग 35% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जो इसे एक खूबसूरत पर्यावरण प्रदान करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोवा की जितनी आबादी है, उससे ज्यादा तो लोग यहाँ घूमने जाते हैं। दोस्तों अगर आप फुटबॉल खेल के दीवाने हैं, तो गोवा आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां के लोग क्रिकेट खेल को नहीं बल्कि फुटबॉल खेल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों यकीन मानिए तो गोवा की खूबसूरती कुछ ऐसी है कि आप वहां जाकर ही महसूस कर सकते हैं। मौज मस्ती तलाशने वाले लोगों के लिए गोवा एकदम सही जगह होगी। आपको अपने परिवार के साथ जाना हो या फिर गर्लफ्रेंड के साथ, हर रूप से यह जगह आपको खूब पसंद आएगी। दोस्तों अगर आप गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बता दे यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। देश के हर कोने से आप गोवा आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ जाने का कोई बेस्ट सीजन नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं। आप हवाई जहाज, रेल मार्ग या सड़क के माध्यम से गोवा बीच तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं, तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन मडगांव और करमाली मेन रेलवे स्टेशन है, और गोवा का नजदीकी एयरपोर्ट टेवोलिन एयरपोर्ट है, जो पणजी से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। एयरपोर्ट या स्टेशन पहुँचने के बाद आपका सफर स्टार्ट होता है। अगर आप नॉर्थ गोवा में ठहरना चाहते हैं, तो कलंगूट बीच के आसपास का एरिया आपके लिए सही रहेगा। यहाँ से बागा बीच भी काफी पास में है। दोस्तों अगर आप गोवा आ ही रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि यहाँ आपको ओला या उबर नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक छोटा राज्य है। यहाँ आपको खाने पीने से लेकर कहीं भी आने जाने के लिए काफी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अगर आप 3 से 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी करते हैं, तो इसका किराया करीब 400 से 500 रुपए तक होता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप एक स्कूटी किराए पर ले ले। गोवा में स्कूटी आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगी। अगर आप दिन भर के लिए एक स्कूटी बुक करते हैं, तो उसका किराया करीब 500 रुपए लगता है, और अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, तो स्कूटी का किराया कुछ ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, स्कूटी में पेट्रोल आपको खुद भरवाना पड़ेगा, तो अपने हिसाब से ही भरवाएं। वैसे गोवा में स्कूटी ट्रैवलर्स के लिए सबसे अच्छा साधन है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आपको एक कार बुक करनी पड़ेगी, जिसका प्रतिदिन का किराया तकरीबन 1500 रुपए तक पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा था, गोवा बहुत छोटा है। आप चाहे नॉर्थ गोवा में रुके हो या साउथ गोवा में, आप स्कूटी या कार से आप सभी इलाकों को आसानी से कवर कर सकते हैं। गोवा का ट्रैफिक बहुत स्मूथ है। ट्रैवलर्स की काफी भीड़ के बाद भी आपको यहाँ एक
अजीब सा सुकून दिखाई देगा जो दिल्ली जैसे शहरों में आप वीकेंड में भी नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, अगर आप गोवा आकर टैक्सी या स्कूटी से घूमना नहीं चाहते हैं तो बस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ की बसें आपको नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा का अलग अलग टूर कराते हैं, वो भी 400 रुपए में, जो स्कूटी या टैक्सी से कई गुना बेहतर है, क्योंकि बस के जरिए आप उन जगहों को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होती। दोस्तों, यूं तो गोवा में 2000 से भी ज्यादा होटल हैं, 3 स्टार 4 स्टार हर तरह के होटल आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन इन होटल में रहने का रेट भी काफी हाई होता है। लेकिन आप परेशान ना हो, गोवा में आपको 2 से 3 हजार में अच्छे होटल मिल जाएंगे, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन बुक भी करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ड्रिंक करते हैं और नॉनवेज के शौकीनी हैं, तो सच मानिए गोवा आपके लिए ही बनी है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो भैया गोवा आपको परेशान कर देगा। हालांकि जेब आपको दोनों ही मामले में ढीली करनी होगी। गोवा अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ के नाइट क्लब, नाइट बीच पार्टी आपका ही इंतजार कर रही है। वैसे दोस्तों, यहाँ कई नाइट क्लब हैं जहाँ लड़कियों की फ्री में एंट्री होती है और उनके लिए ड्रिंक्स भी फ्री होते हैं, तो आप यहाँ जमकर मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों, आप देश के किसी भी शहर में चले जाओ, लड़कियों के ड्रेसेस को लेकर काफी बातें होती हैं, लेकिन गोवा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी लड़कियां गोवा में आकर अपनी हर अरमान पूरी कर सकती हैं। मतलब ये कि आप यहां कुछ भी पहनकर बेधड़क होकर घूम सकती हैं। लड़कियों की ड्रेसेस को लेकर यहाँ कोई भी इशू नहीं होता। आप स्कर्ट या बिकनी कुछ भी पहनकर अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकती हैं। दोस्तों, यही वजह है कि देश विदेशों से लाखों की संख्या में सैलानी यहां आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।